हेलो स्टूडेंट ए वीडियो रे आमे प्लस 3 एंथ्रोपोलॉजी पाठ्यक्रम रे प्रथम सेमिस्टर रे कौन कौन विषय वस्तु अछि कौन कौन आमे पढ़िबा से ऊपर आलोचना करिबा। तो प्रथम सेमिस्टर रे कौन कौन पढ़िबा से विषय रे कहबा पूर्वरु मु प्रथमे एग्जाम पैटर्न विषय रे कहि रखिबा चाहिबी। प्लस 3 हमर 3 वर्ष प्रति वर्ष 2 लेखे सेमिस्टर प्रति सेमिस्टर रे किछटा कोर पेपर थाउची इलेक्टिव भी थाउची एसीसी भी थाउची डीएससी भी थाउची। तो प्रथम सेमिस्टर रे आमे 2टा कोर पेपर देखिबा गोटे इलेक्टिव देखिबा आ गोटे एसीसी पेपर देखिबा। ठीक अछि। तो हमर कोर पेपर 1 ओ कोर पेपर 2 ए दुटा रे प्रैक्टिकल 25 मार्क लेखे रहइबो प्रति पेपर 100 मार्क प्रैक्टिकल 25 मार्क लेखे रहिबो बाकी रहला 75 से 75 रु मिड टर्म एग्जामिनेशन रे 15 मार्क रहिबो आउ सेमिस्टर एग्जामिनेशन 60 मार्क रहिबो। तो 60 15 75 हैला प्रैक्टिकल 25 मार्क टोटल 100 मार्क ए हिसाब रे प्रति पेपर 100 मार्क लेखे रहिबो। तो कोर पेपर 1 100 मार्क थ्योरी मिड टर्म प्रैक्टिकल 60 15 25 सेमिति कोर पेपर 2 मध्ये सेम रहिबो। देन इलेक्टिव जनरल इलेक्टिव 1 तो एथिरे इलेक्टिव पेपर रे कोन रहइबो ना जदी को माने बॉटनी जूलॉजी ए टाइप रो किछि नै छंती जो जो सब्जेक्ट गुडी कर की प्रैक्टिकल थाए तो से मानर मध्ये सेम से टाइप रो ही रहइबो 60 15 25 हिसाब रे। जदी प्रैक्टिकल पेपर नाही तबे एडा चेंज हे जिवो। देन एसीसी 100 मार्क रहिबो। तो कोर पेपर 1 रे कोन रहिछ ना इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ओके एतरे 4टा यूनिट रहिछ एंड प्रैक्टिकल रहिछ ओके। तो एथि मध्ये रो मिड टर्म जो आसीबो एग्जामिनेशन 15 मार्क रो तो मे बी मिड टर्म एग्जामिनेशन हेबा जाए जदि यूनिट 1 यूनिट 2 सर जाए जतिटा यूनिट सर थिबो 4टा यूनिट मध्ये जतिकी यूनिट सर थिबो सेतिकी यूनिट मध्ये रे क्वेश्चन आसीबो बाकी सेमिस्टर रे 4टा जगह यूनिट रे क्वेश्चन आसीबो बाकी प्रैक्टिकल रहला 25 मार्क प्रैक्टिकल हो ओके। तो यूनिट 1 रे कोन अछि ना हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एम स्कोप एंड इट्स रिलेशनशिप विथ एलाइड डिसिप्लिन्स डिफरेंस इन द एप्रोचेस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो एथरे हम कोन देखिया ना फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बा बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो हिस्ट्री डा देखिबा तार कोइ हिसाब रे डेवलप हेई गला अप टू हमरो मॉडर्न बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पर्यंत आउ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो एम कोन रहइबो स्कोप कोन रहइबो आउ अन्य डिसिप्लिन सहित यार रिलेशनशिप को टाइप रो अछि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अन्य डिसिप्लिन सहित अदर एलाइड डिसिप्लिन सहित कौन रिलेशन अच्छी ए पर मोर गोटे वीडियो ऑलरेडी मु कर देछि। तो जदि ए वीडियो देखि सल्ला पर जदि ए वीडियो देखिबा चाहछन तो ए वीडियो सल्ला पर आपण जाई चेक आउट कर चेक कर परिबे। ठीक अछि। तो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और अन्य एलाइड डिसिप्लिन सहित कौन रिलेशनशिप अछि से ऊपर हम देखिबा आउ डिफरेंट एप्रोचेस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कौन कौन डिफरेंट एप्रोचेस अछि ट्रेडिशनल आउ मॉडर्न बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऊपर से ऊपर हमें देखिबा एटा होची यूनिट 1 रो। देन यूनिट 2 रे हमें कोन देखिबा ना हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन ओके। प्रथम डर तो हिस्ट्री डा डेवलपमेंट देखिदिले फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो ओके। तो एथरा हम कोन करे जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी देखिदिले बेसिकली ह्यूमन इवोल्यूशन को टाइप रहिदिला ओके। तो ह्यूमन इवोल्यूशन उपरे एथरा हमें स्पेसिफिक फोकस करबा जोडा कि प्री 19th एंड पोस्ट 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी पूर्वरु 19th सेंचुरी परे बा 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी परे को टाइप रो डेवलपमेंट हला ह्यूमन इवोल्यूशन को टाइप रो हला बुझिबारे हो कंप्लीट इवोल्यूशन को टाइप रो केमिति कोन हला से सब हम एथरे देखिबा। तापर ता बाद कोन हम देखिया थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लामार्किज्म, डार्विनिज्म, सिंथेटिक थ्योरी एंड म्यूटेशन थ्योरी। तो इवोल्यूशन रो जो थ्योरी गुडी अच्छी तो एथुर आम जो चार्टा थ्योरी आम देर लामार्किज्म थ्योरी हो, डार्विनिज्म थ्योरी हो, सिंथेटिक थ्योरी हो, म्यूटेशन थ्योरी हो, एसबूर आम देखा जोटा कि यूनिट 2। देन यूनिट 3 तो अच्छा यूनिट 1 यूनिट 2 तो आम कौन कले ना बेसिक पर्यटन देखिले आम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो बेसिक जिनस जानले। देन बेसिक जिनस टिके ऊपर कंप्लीट एडवांस नुह टिके ऊपर जोड़ा कि यूनिट 3 रु आरंभ होइला। एथरे कौन रहिला ना प्राइमेट, तो प्राइमेट मानर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रहिबो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन ह्यूमन लिविंग प्राइमेट्स मानर। ओके देन कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ बिहेवियर, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स। तो जो आम ह्यूमन प्राइमेट रहा और नॉन ह्यूमन प्राइमेट रहिले तांकर कंपैरेटिव एनाटॉमी आ बिहेवियर। एनाटॉमी रे हम कौन देखा ना तांकर टीथ स्ट्रक्चर किंद रहा, टीथ काउंट किंद रहा, माने दांतर स्ट्रक्चर को टाइप रोचे, तांकर काउंट को दांतर गणना जो केते गुडी दांत रोचे कौन कौन रोचे। देन आम तांकर कौन ना आंगुठी, हाथर आंगुठी हो कि गोड़र आंगुठी हो, किमी डाल को धरुले कि नाई, आर माने आई साइड को टाइप रहा कंप्लीट एनाटॉमी आम से देखा। ओके एंड बिहेवियर को टाइप बिहेवियर रोला आम ह्यूमन प्राइमेट रो टाइप रोला, नॉन ह्यूमन प्राइमेट रो टाइप रोला, एसबू विषय आम जाना। तो एसबू भर गोटे डिटेल भिडियो कराब प्राइमेट को लेकिन से प्राइमेट कौन आम से बुझा, देन एसबू जिनस बुझा, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रहा, सब जिन बुझा, फास्ट प्राइमेट कौन बुझा, देन एसबू विषय बुझा। देन यूनिट 4 कौन रहा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल सेल। ओके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन एनिमल सेल जोटा कि आम गोटे आम जाने गोटे कौन होना प्राणीर कोष, प्राणी कोष हो गोटे कौन हो प्लांट बेसिस कोष हो प्लांट सेल हो। तो ये आम कौन देखा ना एनिमल सेल ऊपर देखा। एनिमल सेल कौन सेल थ्योरी आम पढ़ी आई थिंक नवम दशम श्रेणी रे कोष कोष विभाजन जो मैंने ओडिया डिविजन आसने से माने पढ़ी थे कोष कोष विभाजन, जो मैंने इंग्लिश आसने तो सेल थ्योरी ऑलरेडी कौ को बुझी जाइए कौन। ओके देन सेल डिविजन को टाइप हो माने कोष विभाजन को टाइप हो विषय आम जाना। देन मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स एप्लीकेशन टू मैन। तो मेंडेल्स लॉ विषय जाना। मेंडेल्स कौन किए थे, साइंटिस्ट थिले कि टीचर थिले कि इंजीनियर थिले कि सफाई वाला थिले कौन थिले तांके आमे एथरे गोटे स्पेसिफिक वीडियो करिया से ऊपर आमे जानिबा कौन थिले। देन तांकर लॉ जो तांके जो नियम काढ़ी थिले इनहेरिटेंस को नेकी, तो से लॉ कौन आ सेटा किमिति एप्लीकेबल होउछ मेन ऊपर। मेंडेल्स लॉ यहाँ पढ़ी नवम कि दशम जो मटर दाना को लेकिन अंकुरित करमी तार डेवलप होमि इनहेरिट होसबूर आम पढ़ी। तो ये आम डिटेल्स वीडियो गोटे बनवा ये पढ़ा। ओके देन रहा प्रैक्टिकल आम कौन देखा ना ऑस्टियोलॉजी। अच्छा ऑस्टियोलॉजी पूर्व प्रैक्टिकल आम कौन देखा ना इंट्रोडक्शन टू एंथ्रोपोलॉजिकल लैबोरेटरी, ताहिरे ड्राई लैब एंड वेट लैब कौन देखा प्रथम। अच्छा एंथ्रोपोलॉजिकल लैबोरेटरी जमी आम विभिन्न आम जूलॉजी हो, जियोलॉजी हो कि बॉटनी हो, देन आमर केमिस्ट्री लैब हो, फिजिक्स लैब हो, विभिन्न प्रकार साइंस जमी लैब था कंप्यूटर लैब हो लैबोरेटरी था सेमती एंथ्रोपोलॉजी लैबोरेटरी था। तो प्रथम लैबोरेटरी टाक दुई भाग में विभक्त कर ड्राई लैब और वेट लैब। तो ड्राई लैब कौन वेट लैब कौन यहाँ आम जाना, या मतलब वीडियो गोटे बनई देटा मतलब चेक करें। देन कैलिब्रेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करवा एंथ्रोपोलॉजी लैबोरेटरी जो 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 इंस्ट्रूमेंट आम यूज करवा तार कैलिब्रेट से किमिति कराहबो, स्टैंडर्डाइज तार स्टैंडर्ड कौन रहिबो, तो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट किमिति कराहबो, स्टैंडर्डाइज किमिति कराहबो, एसबू आम देखा। देन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, एथरे कौन देखा ना एंथ्रोपोमेट्री देखा, स्प्रेडिंग कैलिपर देखा, स्लाइडिंग कैलिपर देखा, वेइंग मशीन देखा, स्टील टेप देखा। ओके, ये पांचटा जिनस आम देखा। आहरी विभिन्न प्रकार अच्छी इंस्ट्रुमेंट, किंतु प्रथम सेमिस्टर पर पांचटा सिलेबस हिसाब से पांचटा इंस्ट्रुमेंट देती। तो पांचटा इंस्ट्रुमेंट देखा। एसबू देखला कौन करवा सोमाटोमेट्री मेजरमेंट। तो सोमाटोमेट्री मेजरमेंट पूर्व आम जाना पड़ो सोमाटोमेट्री कौन, सोमाटो कौन, मेट्री कौन, सोमाटोमेट्री कौन, एंथ्रोपोमेट्री कौन, ऑस्टियोमेट्री कौन, एसबू आम जाना। तापर जामें सब करवा ना। तो सोमाटोमेट्री, सोमाटोमेट्री विषय में आम जाना। देन सोमाटोमेट्री कौन कौन आसूँ, स्ट्रेचर हो, सिटिंग हाइट हो, बॉडी वेट हो, मैक्सिमम हेड लेंथ, मैक्सिमम हेड ब्रेथ, मैक्सिमम बाइजाइगोमेटिक ब्रेथ, बाइगोनियल ब्रेथ, मॉर्फोलॉजिकल फेशियल हाइट, हेड सर्कमफरेन्स, मिनिमम फ्रंटाल ब्रेथ, एसबू आम देखा। तो एसबू देखा पूर्व आम कौन कौन जिन सोमाटोमेट्री मेजरमेंट करने पूर्व कौन कौन ध्यान देवा पड़ो ना। आम जमी रहा आम लैंडमार्क कौन रो। तो एसबू वीडियो बनाया समय मुझेदेवी लैंडमार्क एक्चुअली कौन, तार मीनिंग कौन। देन लैंडमार्क कौन कौन रसबू मेजरमेंट ना पूर्व लैंडमार्क कौन कौन रो, लैंडमार्क रहिबो तार डिटेल्स कहीदेवी। नॉर्मली मुझे गोटे स्ट्रेचर कहीदे जमी आम स्ट्रेचर लैंडमार्क कौन रा, फ्लोर वर्टेक्स टू फ्लोर। तो यहाँ हूँ लैंडमार्क। वर्टेक्स कौन से भी जानिया, फ्लोर तो आम जाने। ओके, तो ये टाइप विभिन्न प्रकार माने लैंडमार्क अच्छी। आम जाइगन टू जाइगन, जाइगन हो जोटा आम बाइजाइगोमेटिक ब्रेथ, बाइगोनियल ब्रेथ, गोनियन टू गोनियन। तो गोनियन कौन आम जानिया, जाइगन कौन आम जानिया, जाइगोमेटिक आर्क कौन जानिबा। ओके, नाजियन कौन जानिबा, विभिन्न प्रकार बहुत गुड़ी अच्छी। तो से सब आम जानिया। ठीक अच्छे, तो ये रहा कौन कोर पेपर वन रो। तो कोर पेपर वन बोली इम्पोर्टाट बुक्स गोटे मुझे रेकमेंड करने चाहिए। हाईली रेकमेंडेड बुक जोटा कि आमर केवल प्रथम सेमिस्टर ने अन्य सेमिस्टर कम आसो। सेटा हूँ बीएम दास आउटलाइन ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जोटा कि आमर सिलेबस भी देती से बुकटा। तो ये हाईली रेकमेंडेड बुक मो तरफ। तो मो ए बुक रो लिंक अमेजन लिंक हो वा फ्लिपकार्ट लिंक हो, मु लिंक मु दे देबी। किंतु एडा किनिबा पूर्वरु एडा प्रमोशनल वीडियो नुह, तो मु सेति में कहि रखुची जे किनिबा पूर्वरु दुइटा जाक वेबसाइट चेक करिवो। देन अन्य वेबसाइट जहाँ भी अच्छी से सब मते चेक करिवो। देन तमरो लोकल बुक स्टोर सेडी मते चेक करिवो, किंवा सेकेंड हैंड बुक स्टोर जो थी से मतलब चेक करेंगे। कर प्राइज ऊपर तल कि प्राइज अधिका हो पारे, कम हो पारे कौटी। तो ताकू धरिकी किनिबो ना। जदि लाइब्रेरी अच्छी कॉलेज लाइब्रेरी तो कॉलेज लाइब्रेरी रेफर कर पारे, पढ़ी पारे आनिकी। ठीक अच्छे, तो ये रहा आमर कोर पेपर वन। बर्तमान आम देखिदेबा कोर पेपर टू रे कौन अच्छी। तो कोर पेपर कौन टू रे कौन अच्छी ना, इंट्रोडक्शन टू सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये किसी ना बेसिक लेवल गोटे लाइन में कहूँ। तो सीसी टू रे कोर पेपर टू रे आम कौन देखा ना, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पर तार बेसिक जिनस जाना। ओके, तो ये मतलब चार्टा यूनिट अच्छी। यूनिट वन कौन एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एंड ओरिएंटेशन, स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, रिलेशनशिप ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी विथ अदर डिसिप्लिन, इट्स डिस्टिंक्शन फ्रॉम सोशियोलॉजी। ओके, तो एथरा हम कौन देखा ना, सेम जिनस जमी आम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी यूनिट वन देखते ये सेम सीन देखा। किंतु एथिरे कौन हम ना, सोशल एंथ्रोपोलॉजी रो स्कोप हो कि तार अदर एलाइड साइंस सहित मानने रिलेशनशिप अदर एलाइड साइंस हो कि अदर डिसिप्लिन सहित कौन रिलेशनशिप रखुची। आ सोशियोलॉजी माने सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी भितर कौन कौन डिफरेंस रोचे, बेसिक डिफरेंस कौन रोचे कौन, ये सब जिनस आम जाना यूनिट वन रे। देन यूनिट टू रे कौन रखा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर, स्टेटस एंड रोल, ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सिविल सोसाइटी। तो ये आम एसबू जिनस जाना। देन यूनिट थ्री, यूनिट थ्री आम सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, सोशल फंक्शन एंड सोशल सिस्टम विषय जाना। तो यू जाना पूर्व यूनिट टू रे कौन जान दे सोसाइटी विषय तो अलरेडी जान देता, तो यूनिट थ्री से पढ़ाई सुविधा हे। देन यूनिट फोर आम कौन देखा ना थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इथनोग्राफी फील्ड वर्क, सर्वे मेथड एंड कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल मेथड। तो ये सब टोटाल आमर सीसी टूटा यूनिट फोरटा हूँ सबुठ इम्पोर्टाट, जोटा कि आमर सिक्स सेमिस्टर फील्ड वर्क रे आमर ए सब जिन कम आसो। ओके, तो ये आम कौन देखा ना इथनोग्राफी फील्ड वर्क करने समय जो मेथड यूज करा जिन आम सर्वे मेथड कौन केमी यूज करा कौन से विषय आम जाना, कंपैरेटिव हिस्टोरिकल मेथड ये सब जाना। देन प्रैक्टिकल रे कौन ना मेथड एंड टेक्निक ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इसे कौन आम जाना ना प्रैक्टिकल विल इंक्लूड द फॉलोइंग टेक्निक एंड मेथड इन कलेक्शन ऑफ डाटा इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशल एंथ्रोपोलॉजी रे आम जो गोटे डाटा कलेक्शन करवा गोटे जगार तो आम कौन कौन मेथड आउ टेक्निक कौन कौन यूज करवा से सब विषय आम जाना। तो ये कौन लिखी ना निम्नलिखित तो टेक्निक और मेथड विषय आम जाना। तले कौन कौन मेथड आउ टेक्निक लिखी, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, केस स्टडी, लाइफ हिस्ट्री। तो ऑब्जर्वेशन आम कौन कौन जाना ना ऑब्जर्वेशन केते टाइप रो कौन कौन, कंट्रोल ऑब्जर्वेशन कौन, अनकंट्रोल ऑब्जर्वेशन कौन, तापरे किमिदि माने ऑब्जर्वेशन करा हबो। प्रथम तो जाना ऑब्जर्वेशन कौन, तापर कंट्रोल कौन, अनकंट्रोल कौन, पार्टिसिपेंट कौन, नॉन पार्टिसिपेंट कौन, सब टोटल आम जाना ऑब्जर्वेशन। देन इंटरव्यू मेथड कौन, इंटरव्यू मेथड केते टाइप रो ए सब आम जाना। देन क्वेश्चनर एंड शेड्यूल, तो क्वेश्चनर मेथड कौन, केमिति क्वेश्चनर आम तैयारी करबा तो गोटे तो आम गोटे जगार गोटे किसी डाटा आनी पारिबा। देन शेड्यूल मेथड कौन ना केमिति आम शेड्यूल तैयारी करबा जो द्वारा कि आम डाटा कलेक्ट कर पारिबा। शेड्यूल मेथड कौन कौन रहबो, को टाइप रो शेड्यूल रहबो ए सब आम जानिबा। देन केस स्टडी, तो गोटे केस को स्टडी करिकि केमिति सेथुर आम डाटा काढी पारिबा, तो से विषय आम जाना केस स्टडी। देन लाइफ हिस्ट्री, जनर गोटे लाइफ हिस्ट्रीटा को देखिकी तार बायोग्राफी हो कि तार गोटे लाइफ हिस्ट्री गोटे डॉक्यूमेंट हो, तो यू आम तैरू केमी किसी डाटा कलेक्शन करें आम देखा। भिडियोटी जब भल लगी तेज अन्य स्टूडेंट मान सहित सेयर कर, आदि किसी क्वेश्चन डाउट अच्छी तेज कमेंट सेक्शन रे क्वेश्चन ड्रॉप करो, निज निजर क्वेरी ड्रॉप करो। देन मो स्पेसिफिक गोटे वीडियो बनेबी क्वेश्चन पाई, से मो सब क्वेश्चन रो आंसर देबी। ठीक अछि, धन्यवाद।